हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लेकर आए हैं कुछ यूज़फुल वेबसाइट्स जो आपके काफ़ी काम आएंगी, आपके काफ़ी समय की बचत करेगी और आपके काम को आसान करेंगी। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारा सबसे पहला जो यूज़फुल वेबसाइट है वो है hotpot.ai। ये वेबसाइट है सबसे फर्स्ट hotpot.ai। ये वेबसाइट आपके काफ़ी सारे काम आती है। ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट पे वर्क करती है, मशीन लर्निंग प्रोग्रामिंग पर। तो इसमें देखिए कई सारे ऑप्शंस अवेलेबल है, बट तो आर्टिफिशियल टूल्स पे यहाँ पे अगर आप जाएंगे तो आपको यहाँ पे काफ़ी सारे ऑप्शंस मिल जाएंगे। यहाँ पे कई सारे ऑप्शंस आपके पास अवेलेबल है, इसमें से कुछ बीटा वर्जन पे अवेलेबल है अभी। तो यहाँ पे देखेंगे जैसे आपको कोई इमेज आपके पास अवेलेबल है, जो पुरानी इमेजेस जो होती है जो डैमेज हो जाती है उसको हम फोटोशॉप पे रिस्टोर करते हैं, तो उसी को फंक्शन को इसमें क्या किया है, बहुत ही स्मार्टली जो है यहाँ पे उसको परफॉर्म किया गया है। यहाँ पे आपको सिंपल कुछ नहीं करना है, उस इमेज को यहाँ पे ये अपलोड का ऑप्शन दिया हुआ है, इस जगह पे आपको क्लिक करना है और जो भी इमेज आपके पास अवेलेबल है उस इमेज को यहाँ पे क्लिक कर उसे अपलोड कर लेना है। जैसे अपलोड करेंगे उसके बाद यहाँ पे रिस्टोर का बटन दिया हुआ है, इस पर क्लिक करेंगे, ये कुछ ही सेकंड्स में क्या करेगा, उसे अपलोड करके प्रोसेस करके डाउनलोड के लिए आपके सामने प्रेजेंट कर देगा। देख सकते हैं यहाँ पे, जैसे यहाँ पे आपके पास में ये इमेज प्रोसेसिंग कंप्लीट हुआ, आप यहाँ पे देख सकते हैं डाउनलोड का ऑप्शन दिया हुआ है, उस पर भी क्लिक कर सकते हैं या इस इमेज के ऊपर डायरेक्ट क्लिक करेंगे तो भी ये क्या हो जाएगा, डाउनलोड हो जाएगा। देखते हैं, चलिए ये इमेज मैंने डाउनलोड कर दिया, अब इस इमेज को देखते हैं। देख सकते हैं ये इमेज जो है आपका प्रोसेसिंग के बाद का इमेज है और ये इमेज जो है प्रोसेसिंग के पहले का इमेज है। दोनों ही इमेज को आप देख सकते हैं, दोनों में आपको डिफरेंस दिख जाएगा। तो इससे क्या होगा कि आपकी जो है टाइम की सेविंग होगी। उसी में नेक्स्ट ऑप्शन है, ये आपके पास में इसी वेबसाइट में ही है, वो है कलराइज करना। कलराइज करने के लिए मतलब कि आपके पास में कोई ब्लैक एंड व्हाइट फोटो अवेलेबल है, उस फोटो ब्लैक एंड व्हाइट फोटो को आपको कलर करना है, तो उसके लिए आपको क्या करना है, सिंपल यहाँ पे बस अपलोड पे क्लिक करना है। सेकंड आपको उस ड्राइंग को क्लिक करना है और उसके बाद में इसको अपलोड करने के बाद में आपको यहाँ पे सेलेक्ट करना है कलर का फैक्टर और उसके बाद में जस्ट इसको क्या करना है, कलराइज पे क्लिक कर देना है। देख सकते हैं ये इमेज आपके पास में अवेलेबल है यहाँ पे, और उसी इमेज को इसमें क्या किया है, कलराइज कर दिया है और जस्ट आप इसको यहाँ पे क्लिक करेंगे तो ये डाउनलोड हो जाएगा और यहाँ पे आप उसको देख सकते हैं। ये आपकी ब्लैक एंड वाइट इमेज थी जो इसको कलर कर दिया गया है। ये थी आपकी वो ब्लैक एंड वाइट इमेज और ये है आपकी वो कलर इमेज। तो इस टाइप से आपके क्या होंगे, टाइम की सेविंग हो जाएगी और कुछ इंटरेस्टिंग काम भी हो जाएगा। नेक्स्ट इसी में आप देखेंगे AI टूल्स में ही आपके पास अवेलेबल है यहाँ पे बैकग्राउंड रिमूव करने के लिए, ठीक है। तो अगर मान लीजिए सपोज आपके पास कोई इमेज है जिसमें से आपको पीछे बैकग्राउंड को रिमूव करना है तो उसके लिए भी यही ऑप्शन है। सेम इसमें इस वेबसाइट में मैक्सिमम काम में आपको सिर्फ अपलोड करना है और प्रोसेस पे क्लिक करना है। जैसे ये है, इसको मैंने क्लिक किया और यहाँ पे रिमूव बैकग्राउंड पे क्लिक कर दिया, ये प्रोसेस इसका कंप्लीट हो गया है। अब यहाँ पे इसको डाउनलोड भी कर सकते हैं और चाहें तो इस पे बैकग्राउंड वगैरह ऐड भी कर सकते हैं। तो इस पे अगर आप क्लिक करेंगे तो एक नए पेज पे आपको ये स्विच कर देगा, जहाँ पे ये क्या करेगा, पूरी इमेज को एडिटिंग के लिए ऑप्शन प्रोवाइड कराता है। जैसे आपके पास में बैकग्राउंड रिमूव करके ये आ गया है, अगर आपको सपोज इसके पीछे में कोई बैकग्राउंड चेंज करना है, कलर चेंज करना है, तो यहाँ पे आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपके पास में काफ़ी सारे ऑप्शन आ जाएंगे कि आपको किस टाइप का बैकग्राउंड चाहिए करके, और उसके बाद में जो भी बैकग्राउंड पे आप क्लिक करेंगे उस बैकग्राउंड के अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा, यहाँ पे इमेज आ जाएगी। अगर आपको इसमें कुछ इमेज ऐड करना है तो आप यहाँ पे वो भी कर सकते हैं, जैसे ये कर दिया। अगर आप इसको रोटेट करना चाहें तो रोटेट भी कर सकते हैं, साइज़ में अगर थोड़ा सा छोटा बड़ा करना चाहें तो उसको भी आप कर सकते हैं। तो इस इमेज को डायरेक्ट डाउनलोड कर सकते हैं, इसके लिए आपको कोई सब्सक्रिप्शन की ज़रूरत नहीं पड़ती। यहाँ पर आप डायरेक्ट डाउनलोड कर लीजिए, ये डाउनलोड हो जाएगा आपका इमेज यहाँ पर, और जिसमें बैकग्राउंड नहीं होता, ये बिना बैकग्राउंड का है। आप इस पर फिर जो भी चाहें उस पर सॉफ्टवेयर के थ्रू, किसी भी फोटोशॉप के थ्रू आप क्या कर सकते हैं, इसको एडिट कर सकते हैं। इसमें एक ऑप्शन है आपके पास में, जैसे गूगल ट्रांसलेटर होता है वैसे ही यहाँ पे जो है पूरी की पूरी फाइल को ट्रांसलेट करने के लिए जो है ऑप्शन दिया हुआ है। एज इट इज़ गूगल ट्रांसलेटर की तरह ही ये वर्क करता है। यहाँ पर आपको इमेज को अपलोड करना है या फिर फाइल को अपलोड करना है और ट्रांसलेट करना है जिस भी लैंग्वेज पे, उसके अकॉर्डिंग ये क्या करता है, ट्रांसलेट कर देता है। तो ये कुछ टूल्स थे जो हेल्प कर सकती है। अगर कोई क्वेश्चंस हैं तो कमेंट करें। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब के बटन को प्रेस करें और बेल आइकन पर क्लिक करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।